सोच हमें वहां से नहीं निकाल पाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इस बात को गिनती और अल्लाह दो हमारे यहाँ पे है। अब बार बार अल्लाह को बीच में क्यों लाते हैं? उसे इंसान के कत्ल हारत से क्या लेना? जंग बिना हथियारों के नहीं लड़े जाते। सलाम, आप अपने हथियार इस्तेमाल करें और मुझे मेरा हथियार इस्तेमाल करने दें। इस तरीके के रोल के लिए जो मैं सोचता था, वो तब मैंने सोचा था कि मुझे कुछ ऐसी फिल्म मिले जिसमें बड़ा रोल हो, बड़ा उसमें एक स्टार हो, एक बड़ा बैनर हो। ऐसे सपने लेकर के मैं आया था 2000 में ड्रामा स्कूल से पास आउट होने के बाद। तो वो सपना सच होने में या वैसा रोल मिलने में 19 साल लग गए। तो 19 साल यूं झटके में बीत गए, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कल ही की बात हो। लेकिन जब ये चीज़, ये मौका सामने आया, तो उसमें मैंने अपनी पूरी मेहनत की, अपनी पूरी जो भी मेरी अभी तक की काबिलियत मैंने अपनी जो अर्जित की थी, जो अर्न की, उसको उसमें डाला और जितना बेहतर कर सकता था इसको किया। तो लोगों को पसंद आया, उसके लिए तो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और ये रोल जो ट्रस्ट करके डायरेक्टर अनुराग सिंह ने मुझे दिया और अक्षय सर ने जिस तरीके से कोऑपरेट किया, वो मेरे लिए एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी इस फिल्म को करते वक्त। वैसे अक्षय सर के साथ मैं पहले एक पैडमैन फिल्म कर चुका था, तो उसमें एक इतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन एक बहुत ही अहम किरदार था प्रोफेसर का, जिसमें वो आते हैं और मेरे घर में काम करते हैं और फिर उनको मैं एक बाई फ्लू क्या कह लें, या उनसे कुछ नाराज़ हो करके किसी चीज़ को ले करके मैं उनको पोक करता हूँ और उनको समझाता हूँ कि भाई कि तुम जो ये सपना देख रहे हो, ये ऐसे नहीं सच होगा, ये इतना आसान काम नहीं है। और उसकी वजह से उनको एक और बहुत अंदर से किक मिलती है और वो उस चीज़ को और बड़े लेवल पे करते हैं। तो चूंकि ये काम किए हुए साल भर हो चुका था, तो उस समय भी जब हमने 2-3 दिन साथ में काम किया था, तो उस समय भी उनका जो एक को एक्टर को लेकर के एक जो रिस्पेक्ट होती है, जो एक कम्फर्ट जोन जो देना होता है, वो उस समय भी उन्होंने इतना दिया कि मतलब कि हर एक्टर की ये चाहत होगी कि दोबारा 4 बार 5 बार हर बार उनके जैसे एक्टर के साथ काम करें। लेकिन जब हम लोग केसरी के लिए मिले, तो केसरी के लिए चूंकि बाकी एक्टर्स की भी मैं वर्कशॉप कर रहा था एक्टिंग की, तो उस दौरान तो मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उनका आना बहुत कम होता था और वो दूसरी चीज़ों में भी जुड़े रहते थे। लेकिन जब सेट पर उनसे मुलाकात हुई, तो करीब 2-4 घंटा उनको लग गया ये पहचानने में कि हम पहले कब मिले हैं। लेकिन जब उन्होंने पहचाना और उस चीज़ को याद किया, रिकलेक्ट किया, तो उस समय उनका जो रिस्पांस था और जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। और इस किरदार को करने की जो तैयारी रही, जिसमें डायरेक्टर ने साथ में जो स्टोरी जो उन्होंने डेवलप की, जिस तरीके से किरदार सामने ला करके दिया और जो उसकी डिटेल्स दी, उसको करना एक बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस रहा। तो वो यादें हमेशा रहेंगी। और जिस तरीके से धर्मा प्रोडक्शन ने इस फिल्म को ला करके सामने खड़ा किया कि ये हमेशा के लिए लोगों के जहन में बसी रहे, जिस तरीके से डायरेक्टर ने इसको सजा करके सामने लाए, अक्षय सर, परिणीति, इन सारे लोगों ने जिस तरीके से अपने किरदार को जिया और हम सब आकर के जो इसमें मिले, तो एक वॉर जो आप पर्दे पर देख रहे हैं और एक वॉर जो इस फिल्म को तैयार करने में पीछे लगी, वो एक अपने आप में एक कहानी है। बीच में हमारी फिल्म का सेट का जल जाना, लेकिन किसी का भी उत्साह कम ना होना, और ख़ास करके डायरेक्टर अनुराग सिंह, अक्षय सर, करण जौहर, इन सब लोगों ने जिस विश्वास के साथ इस फिल्म पे अपना फेथ जमाए रखा और इसको रीगेन करके वापस सिनेमा में लाए, अगर मुझे लगता है कोई और होता तो शायद उसकी हिम्मत टूट जाती। लेकिन इन सब लोगों की हिम्मत रही, इन सब का सहयोग रहा और फिल्म आपके सामने पर्दे पर पहुंची और एक यादगार फिल्म बन गई। खास करके इसका म्यूज़िक भी साथ में, जो कि तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, जो कि हमेशा के लिए मुझे लगता है कि अमर हो चुका है। और जो इस किरदार को इसमें जो किया मैंने, मैं तो चाहूँगा कि और भी अच्छे रोल ऐसे ही या इससे भी बड़े और ऐसे ही अलग डायमेंशन के रोल्स करता रहूँ, आप लोगों को खुश करता रहूँ, नफ़रत दिलाता रहूँ, गालियाँ खाता रहूँ, प्यार पाता रहूँ, यही मेरी आशा है, यही उम्मीद कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है,
वो देखें और इस फिल्म को, चूंकि हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, इससे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो देख करके आपको पता लगेंगी, जो कभी कभी हम लंबी लंबी बुक्स पढ़ने में हम गुरेज करते हैं, उसको नहीं पढ़ते हैं तो हमें जानकारी नहीं मिलती है। That's your dad.